अगर देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो अगर हॉरिजेंटल से 30 डिग्री, ये वाली जो एंगल है, ये लाइन, इस लाइन से 30 डिग्री नीचे फेंका गया है ये, या इधर यू, और कितने से विथ ये एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से ये का ये जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो 29.4 मीटर है, तो ये 29.4 मीटर है ये वाली जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ 29.4 मीटर। तो यहाँ से ये कहता था, हाउ लॉन्ग टू टेक द स्ट्राइक ग्राउंड, मतलब बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा होगा ये हमें निकालना है। तो देखो, बॉल के पास ऑब्वियसली दो वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी बॉल की हॉरिजेंटल है, दूसरी वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल वाली जो वेलोसिटी है इसकी, अगर ये थीटा है, तो ये आ जाएगा u cos 30, जिसकी वजह से रेंज और आगे जाएगा, और जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो u sin 30 है। u sin 30 का मतलब होता है u/2, ठीक है ना, u/2 ये मतलब यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम देखोगे u की वैल्यू 9.8 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4.9 आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक काम करता हूँ मैं, s इज इक्वल टू ut + ½ at² लगा देता हूँ वर्टिकली वाई एक्सिस में, ठीक है ना, वाई एक्सिस में मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब बॉल बॉल यहाँ से फेंका गया था, तो डाउनवर्ड फाइनली वो यहाँ पे ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पे है, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड जो हाइट है वो -29.4 है, बिल्डिंग की हाइट, इनिशियल वेलोसिटी -9.8 / 2 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, निगेटिव है, और वो है वो भी 9.8 है जी की वैल्यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह जाएगा 58.8 इज इक्वल टू 9.8 t और प्लस 9.8 t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और इसको सॉल्व करो तो 6 t + t का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो t² + t² और यहाँ से बच्चों t और -6, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो इसको t² + 3 t और यहाँ से तुम लिख सकते हो -2 t और -6 = 0। तो t यहाँ से कॉमन लिए, t + 3 -2 = t, यहाँ से t + 3 यहाँ से आ गया, दैट इक्वल टू 0, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल t - 2 और t + 3, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो t की वैल्यू -3 आएगी। अभी मैं -3 साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 सेकेंड लगा हुआ बॉल को नीचे आने में। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, और दैट इज़ बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों, हमारे चैनल के साथ बने रहो, और अच्छे से आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यार ये सब चीज़ें कितना मेहनत से मैं बनाता हूँ ये तो बस मैं ही समझ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।